ओहो गाइस, ये मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, रियलमी 7 ने लीड ले ली है यार। ओह माय गॉड, रिसेंटली मैंने यार यहाँ पे रियलमी X7 वर्सेस मी 10i एंड इवन पोको X3 का वीडियो डाला था। उसमें काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे थे, यार प्लीज़ यहाँ पे रियलमी 7 के साथ भी इसका एक बार कंपैरिजन करके बताओ कि किस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू रियलमी 7, जिसमें मीडिया टेक का हीलियो G95 आता है, और X7 में आपको मीडिया टेक का ही आपको डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर देखने को मिलता है। किस तरीके का फ़र्क रहेगा वो सब चीज़ आपको आज की वीडियो में स्पीड टेस्ट में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरे पास Realme 7 है, इसके अंदर Realme UI 2.0 वाली चल रही है लेटेस्ट, और वो Android 11 के ऊपर बेस्ड है। ये चीज़ यार यार Realme X7 में पहले से आती ना तो बहुत ही मज़ा आ जाता, लेकिन आप देख लोगे यहाँ पे यार पहले से नहीं है, Android 10 वाली ही आती है। तो यहाँ से आपको थोड़ा और भी अंदाज़ा लग जाएगा किस तरीके से है। बाकी आपको एक चीज़ और भी बता दूँ कि Realme UI 2.0 जो Android 11 पे है फिलहाल बीटा में है, तो थोड़े इंप्रूवमेंट के चांसेस अभी भी है कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो ये सब चीज़ हो जाती है क्लियर, तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले आपको दिखाऊं कि नॉच देखो कितना छोटा आपको देखने के लिए मिलता है Realme X7 में एज़ कम्पेयर टू Realme 7, काफ़ी टाइनी है। ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी, लेकिन चिन दोनों का यार बराबर रहता है, या मैं कहूँ X7 को थोड़ा बड़ा ही मुझे लग रहा है चिन देखने पे, तो इधर उधर थोड़ा बहुत चलता रहता है। सबसे पहले हम यहाँ पे करके देख लेंगे रिबूट टेस्ट कि कौन पहले यहाँ पे रिबूट करता है रियलमी में, देखते हैं कौन आगे यहाँ पे निकलता है। सो चलो करते हैं शुरू, 1 2 3 गो। एंड यहाँ पे Realme X7 पहले यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये आप चीज़ देख सकते हो। Realme X7 के अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, लेकिन यार Realme 7 के अंदर आपको 90Hz की LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो ये चीज़ है, आप पिक करो 90Hz या पिक करो AMOLED, एक चीज़ आपको यहाँ पे पिक करनी होगी। आपकी क्या पिक है वो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताओ। बाकी यहाँ पे देखोगे यार Realme X7 कितना फास्ट स्टार्ट हुआ, वो Realme 7 अभी थोड़ा स्लो हो गया है यहाँ पे स्टार्ट होने के मामले में, जो कि Realme UI 2.0 के अपडेट के बाद से है। अब जैसे कि मैंने बताया बीटा अपडेट है, तो आगे चल के इम्प्रूवमेंट ज़रूर से आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी अब यहाँ पे आके Realme 7 हुआ है बूट, और यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस कराऊं तो X7 ज़्यादा वॉबल करता है एज़ कम्पेयर टू Realme 7। वो जब चीज़ आगे छोड़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं तो में कौन पहले ओपन करता है यहाँ पे एप्लीकेशन को, एंड X7 आई गेस पहले ओपन करेगा। और स्कोर भी आपको यहाँ पे दिखा दूँ किसका ज़्यादा होता है, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे। Android 11 का अभी बीटा अपडेट है, तो उसके बाद से एक थोड़ा कम हो गया है यहाँ पे यार G95 का स्कोर, 1,95,000 के समथिंग ज़्यादा था, अभी 2,51,000 है। वही X7 का 3,23,000 आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर कंपेयर करें Geekbench के स्कोर को, तो यहाँ पे देखो X7 ने पहले ओपन करी है। अगर यहाँ पे बात करें Geekbench के स्कोर की, तो यहाँ पे आप देखोगे Realme 7 485 सिंगल कोर में देता है, वहीं पे इस Realme X7 564 देता है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस ज़रूर से देखने को मिलेगा चिप में, जो कि यार ऑब्वियस सी बात है, एक महंगी एक सस्ती आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी अगर आप डेट देख रहे हो तो हाँ यार, ये मैंने पहले करा हुआ था, तो सिमिलर Realme 7 Realme UI 2.0 पे ही स्कोर करा था, तो ज़्यादा उसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि अपडेट कोई नहीं करी है मैंने। बाकी यहाँ पे हम देखते हैं स्पीड टेस्ट को, 1 2 3 गो। एंड ऐप ओपनिंग में तो ऑफ कोर्स Realme X7 मुझे थोड़ा सा आगे लगा है, बाकी देखते हैं स्पीड कौन चुराता है यहां पे। और दोनों को सिमिलर वाईफाई से मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है यहां पे, एंड यस दोनों ही सिमिलर आप देखोगे रिजल्ट पे यहाँ पे चल रहे हैं, दोनों में ही एकदम टक्कर का मुकाबला चल रहा है, थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे कोई, ये चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगी। इवन अपलोड में भी आप देख पाओगे सिमिलरिटी आपको मिलती है। और यहाँ पे यार Realme X7 5G है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इसमें 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है, Realme 7 में भी आपको नहीं मिलता है, बस 5G के चक्कर में यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। स्पीड टेस्ट में थोड़ा सा टाइम मैं दूंगा यहाँ पे दोनों को। देखते हैं DRM Info, यहाँ पे भी X7 ने पहले लॉन्च किया है। अच्छी चीज़ ये है दोनों में ही L1 आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन यार प्राइम वीडियो के अंदर दोनों में ही HD स्ट्रीमिंग आप नहीं कर पाओगे। देखते हैं JioSaavn, यहाँ दोनों ही आसपास रहे, बल्कि थोड़ा सा आगे X7 मुझे देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे क्रोम को ओपन करके, दोनों के ही अंदर मैंने एप्पल की वेबसाइट को ओपन करा था, देखते हैं कौन पहले यहाँ पे रीलोड लेता है। और X7 थोड़ा सा आगे यहाँ पे बस जाता हुआ, देखते हैं इंडिया की वेबसाइट में कौन जाता है पहले, एंड यहाँ पे मुझे लगा Realme 7 थोड़ा सा आगे निकलता हुआ। देखते हैं प्ले स्टोर, दोनों ही साथ साथ ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है आए हैं। बाकी दोनों में मैंने एक सिमिलर पेज को ओपन कर दिया है, जिससे हम जब मेमोरी मैनेजमेंट टेस्ट करें तो हमको पता चल जाए। देखते हैं Amazon, दोनों ही साथ साथ आए हैं, ये चीज आप यहां पे देख सकते हो। देखते हैं Flipkart, अगेन दोनों ही साथ साथ रोल रीलोड यहां पे लिए हैं, एक पेज दोनों में ही ओपन करके छोड़ देते हैं। बाकी देखते हैं Instagram,
अगेन दोनों साथ साथ आए हैं यार। रीलोड यहाँ पे ये देखोगे X7 में बाद में हुआ है, Realme 7 ने पहले यहाँ पे रीलोड किया हुआ है। देखते हैं ट्विटर, यहाँ पे दोनों ही ऑलमोस्ट काइंड ऑफ साथ साथ फिर से मुझे देखने के लिए मिल रहा है, आप बताओ कमेंट सेक्शन में। देखते हैं टेलीग्राम, अगेन यार थोड़ा सा आगे X7 मुझे लगा है, यहाँ पे डिस्प्ले होने में थोड़ा सा टाइम आप देख सकते हो लगा है। बाकी अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो। देखते हैं प्राइम वीडियो, दोनों ही फिर से साथ साथ, जरा सी स्प्रिट 7 का फर्क मुझे लगा है यहाँ पे, X7 थोड़ा सा आगे निकलता हुआ। देखते हैं हॉटस्टार एंड यहाँ पे X7 तो विनर है, क्लियर विनर यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी देखते हैं YouTube भी X7 आगे यहाँ पे देखने को देखता है। देखते हैं गेमिंग, अब देख लेंगे इसमें टेम्पल रन सबसे पहले देखते हैं, एंड यहाँ पर तो X7 बहुत ही तेजी से लॉन्च हुआ। अगर आपने मेरा मीट एन आई वाला और पोको X3 के साथ नहीं देखा ना, तो हर जगह इसने बीट कर दिया है दोनों को लॉन्चिंग के ऐप के मामले में, तो ये चीज़ बहुत ही तगड़ी मुझे यहाँ पे लगी। बाकी यहाँ पे तो विनर आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा कि X7 होता है। अब देखते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी में कौन आपको पहले ओपन करके देता है। What do you think guys, कौन यहाँ पे ओपन करता है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दो। और दोनों ही लोगों तो साथ साथ आए, लेकिन यार आई थिंक लोडिंग स्क्रीन यहाँ पे X7 पहले लेके आपको दे पाएगा। बाकी यार 60 FPS आपको अनलॉक मिलता है Realme 7 में, और Realme X7 में अभी आप सिर्फ मीडियम ही ग्राफिक्स में प्ले कर पाओगे। बाकी X7 यहाँ पे विन हो जाता है विदाउट एनी डाउट, तो ये जीत जाता है राउंड, और यहाँ पे ये हो जाता है स्लो। तो ये चीज़ करते हैं ख़त्म। अब यहाँ पे एंड में हम यहाँ एक बार करेंगे रेंडरिंग टेस्ट, एक वीडियो को हम लेंगे, दोनों ही वीडियो में सिमिलर चीज़ सबसेट करेंगे, दोनों सिमिलर वीडियो होगी, और इन द एंड रेंडरिंग करके देखेंगे कि कौन पहले यहाँ पे रेंडर कर पाता है। दोनों में ही मैं स्पीड को स्लो कर दे रहा हूँ, जिसमें आपको यहाँ पे 0.20 सेकंड देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे दोनों में सेव करके, एंड दोनों में सिमिलर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। सेव करते हैं 1080p क्वालिटी में, यहाँ पे एम टैग करते ही दोनों में ऐड ओपन हो गया। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन पहले ओपन होता है। 1 2 3 गो। ओहो यहाँ पे तो देखो कन्वर्टिंग शुरू हो गया, यहाँ इनिशियलाइजिंग ही कर रहा था अभी, तो आई गेस यहाँ पे X7 पहले जीत जाएगा। यहाँ पे थोड़ी बड़ी फाइल हो गई है, तो देखते हैं रेंडर करके कौन जल्दी यहाँ पे हो पाता है। ओहो गाइज ये मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, Realme 7 ने लीड ले ली है यार। ओह माय गॉड 1% से लीड ले ली है, X7 यहाँ पे स्लो हो गया है। मैं देखता हूँ यार Realme का कोई फ़ोन जीत ही नहीं पाता है ये रेंडरिंग वाला राउंड, पता नहीं क्यों। आप जाके फिर से मीट एन आई और पोको X3 की वीडियो ज़रूर से देखना, आपको भी पता चल जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। बाकी Realme 7 लीड ले लिया है यार यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो Realme 7 ने ये राउंड कंप्लीट भी कर लिया है देखते देखते, और यहाँ पे X7 कितना पीछे हो गया है भाई साहब। कहाँ पहले स्टार्ट किया था यार, कछुए वाली चाल नहीं, कहाँ पहले स्टार्ट किया था खरगोश की तरह, और कौन जीत गया यार आपको देखने को मिलता है कछुए की तरह। ओह माय गॉड, सो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपने यहाँ पे देखी, जिसको मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, आई गेस आपने भी नहीं करा होगा। लेकिन ये राउंड यहाँ पे Realme 7 जीतता है, ओह माय गॉड काफ़ी बड़ी चीज़ है। आप यहाँ पे देखते हैं यार, आपको देखते हैं कि बैकग्राउंड में कौन कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे रैम मैनेजमेंट में बचा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं Amazon, दोनों ही रीलोड यहाँ पे ले रहे हैं। देखते हैं Flipkart X7 में बचा है और इसमें भी बचा है, दोनों में ही यहीं पे पेज खुला, तो यानी यार ये दोनों में था। देखते हैं प्ले स्टोर, दोनों में ही है। देखते हैं क्रोम, दोनों में ही है। देखते हैं JioSaavn, Realme 7 में है भाई, ओहो हो हो। देखते हैं ट्विटर, Realme 7 में यार रीलोड ले रहा है। टेलीग्राम, दोनों में ही एक ही जैसा रहा, सिमिलर रिजल्ट। देखते हैं प्राइम वीडियो Realme X7 में बचा है, यहाँ पे वेलकम बैक किया है। देखते हैं हॉटस्टार दोनों में ही रीलोड लिया है। देखते हैं यूट्यूब, X7 में यहाँ पे बचा है, यहाँ पे रीलोड ले रहा है। गेम बचा है क्या किसी में? X7 में गेम बचा है, ओह माय गॉड। देखते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी बचा है क्या, एंड X7 में कॉल ऑफ ड्यूटी भी बचा है। ये काफ़ी तगड़ी चीज़ यहाँ पे मैंने देखी है यार। अगर आप देखो तो यहाँ पे यार कॉल ऑफ ड्यूटी फिर से लॉन्च हो रहा है, जैसे कि मैंने फिर से टैप करा, आप देखोगे यहाँ पे फिर से Activision का लोगो आ गया है। काफ़ी तगड़ा यहाँ पे X7 आपको देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो रैम मैनेजमेंट अभी Realme UI के साथ है बहुत ही अच्छा यहाँ पे है।
इन शॉर्ट देखो तो इन शॉर्ट यहाँ पे रीलोड हो गई है, यहाँ पे अभी तक खुला हुआ है। मानो ना मानो यार, रियलमी यूआई अभी बहुत ही अच्छी है। एंड अभी यार एंड्रॉयड 11 इसमें बीटा में है, तो ये चीज़ आपको बता दूँ कि ये इस पर इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा होने अभी बाकी है। और एंड्रॉयड 10 का ये जो फाइनल वर्जन है ये एकदम इम्प्रूव है, किसी भी MI UI डिवाइस को आराम से ये बीट कर देगा, चाहे आपको कोई भी अटैक्स यहाँ पे दे दो, रैम मैनेजमेंट का चाहे जो भी दे दो। बाकी यार दोनों में ही 6GB रैम देखने को मिलती है। यहाँ पे X7 में देखोगे 1.64GB फ्री है, वहीं पे आप यहाँ पे देखोगे Realme 7 में 1.84GB फ्री है आउट ऑफ दोनों में ही 6GB में से। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपेरिजन रहा है अभी तक का, मैंने आज जितना भी Realme X7 के साथ कंपेयर करा है। बाकी अगर हम कैमरा लॉन्च करके देखें कि कौन पहले लॉन्च करता है, तो दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर आए हैं, लेकिन Realme 7 का थोड़ा सा पहले मुझे लगा यहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो ये भी चीज आप देख सकते हो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया इसको बनाते हुए। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।